हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये बेसन वाली भिंडी। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। आप लोग मेरी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन भिंडी बनाने के लिए मैंने ये 300 ग्राम भिंडी ली है और इन्हें मैंने साफ करके धुल लिया था और ये आगे पीछे से काट लिया है। अब हम इन्हें बीच से काट कर 4 टुकड़े कर लेंगे। इस प्रकार से हम सारी भिंडी काट कर तैयार कर लेंगे। ये मैंने भिंडी को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने से भाई भिंडी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच ऑयल मिक्स कर देंगे और हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इनको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मसालों को भिंडी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम भिंडी के लिए बेसन भून लेंगे। ये मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है। अब हम बेसन को मीडियम गैस पर भून लेंगे। बेसन रोस्ट हो गया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। भिंडी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच मेथी डाल देंगे और 1 पिंच हींग डाल देंगे। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। अब हम इनको चलाकर 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ये मैंने भिंडी को 2 मिनट के लिए ढककर पका लिया है। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही खुला पकाएंगे। ये मैंने बेसन डालने के बाद 2 मिनट के लिए भिंडी को और पका लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। ये हमारी बेसन वाली भिंडी बनकर तैयार है। हम इन्हें सर्व कर लेंगे। देखिए, ये हमारी बेसन वाली भिंडी बनकर तैयार है। इन्हें आप रोटी पराठा के साथ एंजॉय कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।